गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं एक लजीज सा पुलाव। उसका नाम है सोया चंक्स विद पीस पुलाव। ये आप घर में बहुत इजीली बना लेंगे बहुत कम सामान के साथ। तो दोस्तों, आज हम इसी अपने प्यारी सी रेसिपी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उसके लिए चाहिए सबसे पहले हमें प्याज, अदरक, आप चाहे तो लहसुन भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, टमाटो, एक टमाटो काफी है। अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए उसमें टमाटो, तो आप एक और भी यूज कर सकते हैं। और मसालों में आपको चाहिए थोड़ा सा धनिया पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी। और मैं यहाँ पे अपने पुलाव के साथ पापड़ फ्राई करने वाली हूँ, तो वो भी दिखाऊंगी आपको। और ये हमारे सोया चंक्स न्यूट्रेला रुचि सोया का, ये कहीं भी इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको शॉप पे, सुपरमार्केट्स में, मॉल्स में कहीं भी इजीली मिल जाएगा। और गाइस, इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़े खड़े मसाले। अब खड़े मसाले ना हो तो आप गर्म मसाला यूज कर सकते हैं या इनको पीस भी सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मिली है थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च आप आर्टिस्ट ले सकते हैं, चार पांच ले सकते हैं, ज्यादा नहीं है। दो फ्रेश तेज पत्ता आप देख सकते हैं, हमने अपने पेड़ से तोड़ा है फ्रेश फ्रेश। तो दो पत्ते हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और थोड़ी सी दालचीनी, एक छोटी छोटी इलायची। और हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं पीस। पीस अगर आपके पास फ्रोजन पीस नहीं है, आप नॉर्मल पीस भी यूज कर सकते हैं। हमें वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने फ्रोजन पीस यूज कराया। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है चावल। चावल सबसे राइस को, आपके पास बासमती राइस नहीं है, कटा बासमती है, और भी राइस ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस आपका बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अपना ये अपना राइस वॉश कर लिया है चार से पांच बार, और इसको हम थोड़ी देर अभी पानी में भिगा लेंगे आधे घंटे में, तब तक हमारी चीजें सारी बनके रेडी हो जाएंगी। तो गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हम अपना प्याज को चॉप कर लेंगे, टमाटर चॉप कर लेंगे, ग्रीन चिलीज चॉप कर लेंगे, जिंजर चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आप गार्लिक या लहसुन यूज करना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, चार से पांच कली। मैं यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं इसमें से अदरक यूज कर रही हूँ। और चलिए दोस्तों, मैं इसे कट कर लेती हूँ, कट करके आपको आगे का वीडियो शेयर करती हूँ। हमने यहाँ पे ये प्याज रखा है काट के, इसको हम गार्निश के लिए फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल दिया है, इसमें हमने प्याज डाल के फ्राई करके ऊपर से गार्निश करेंगे पुलाव के। इसमें हम डालेंगे प्याज, इन प्याज को हम फ्राई कर देंगे जब तक डार्क ब्राउन ना हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन लाइट, क्योंकि हमें इसको पुलाव पे करना है गार्निश। तो इसको हमें थोड़ा इतना तो करना ही पड़ेगा, कम से कम पाँच तीन से चार मिनट अगर फ्लेम फुल है तो आप अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिए। तो थोड़ा सा और हल्का सा ब्राउन करेंगे, फिर हम हमें से कढ़ाई से निकाल लेंगे। जब कुकर गर्म अच्छा हो जाए, लेकिन गर्म पानी में सोया चंक्स को थोड़ा सा पाँच मिनट के बाद देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए और स्पंजी हो जाए। जस्ट 15 से 5 मिनट्स आप देख लीजिए फूल जाएंगे, फिर इसको हम पानी निचोड़ के अच्छे से इसे रख देंगे। फिर हम आपको समझ सकते हैं, हमें पंडोल डाला है और इसमें पानी डालेंगे। हाँ, जो कम रखनी है, अब हम इसमें खड़े गर्म मसाले डालेंगे। फिर हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, दो लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, घर से भिगवाने लगा तो हम लोग प्याज और जिंजर पेस्ट डालेंगे, जिंजर हमने बल्कि खत्म कर लिया। कलर भी चेंज हो गया, खुशबू भी आने लगी है। इस बीच हमने सोयाबीन देख लेते हैं, पानी में 5 मिनट हो गए, देखते हैं। सोयाबीन देखिए कितनी डबल हो गई है फूल के। हम सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे और इसे निचोड़ के एक बॉल में रख देंगे। प्याज धनिया काट के रखी है, साथ में रखते हैं अपना जिंजर जो हमारा पेट करा डाल देंगे, थोड़ा गोल्डन बना देंगे, फ्राई हो गया है और इसमें हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के वैसे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें आधे चम्मच नमक डाल के थोड़ा सा टमाटर को गला देंगे। आधे चम्मच नमक डालेंगे गाइस,
मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों के साथ। तो गाइस जल्दी से अपने आप से आप बनाइए और मेरे को कमेंट करिए कि कैसा बनाया। बाय गाइस।